हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे, हमें प्रूफ करना है रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग उसको रैशनल मान लेंगे, और अगर हम लोगों ने उसको ये शो कर पाए कि वो रैशनल नहीं है तो वो क्या हो गया? इरेशनल। इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। जैसे कि सिनेरियो ले लो, आपको कोई चीज ट्रू प्रूफ करना है, आप उसको ट्रू प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, आप ये प्रूफ कर दे रहे हो कि वो फॉल्स नहीं है, यानी कि वो ट्रू हो गया, इसी प्रकार से रूट टू को हम लोग ए बाई बी मान ले रहे हैं रैशनल के फॉर्म में। ए एंड बी आर द कोप्राइम नंबर्स, यानी कि जिसका HCF 1 होगा, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, दैट मींस दे हैव गॉट नो फैक्टर अदर देन 1 इन कॉमन। अब मैं रूट टू को ए बाई बी लिया रैशनल, लेट अज्यूम करके स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि इट हैज गॉट नो फैक्टर अदर देन 1 इन कॉमन। ठीक है, अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया। रूट ऑफ एनी नंबर का स्क्वायर इज द नंबर इटसेल्फ। रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हमें यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हमेशा p डिवाइड्स a होगा मैथ्स में। p कोई भी प्राइम नंबर है, वो कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो स्वाभाविक सा बात है कि वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। p कोई भी प्राइम नंबर है, वो किसी का भी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब वो नंबर को भी हमेशा डिवाइड करेगा। ये आप लोगों को मैथ्स में अप्लाई करना है, मैथ्स का ये चीज को इधर अप्लाई करना है। तो इधर सेम सिनेरियो देखो, ये बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू, टू क्या हो गया? टू इज अ प्राइम नंबर, सो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब टू ए को भी डिवाइड करेगा। That means ये a है जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 इज अ फैक्टर, टू इज अ फैक्टर ऑफ a। हमने दिखा दिया कि a के पास 2 फैक्टर है। ठीक है, अब a 2 से डिविजिबल है तो यानी कि वो कोई ना कोई नंबर का मल्टीपल में एग्जिस्ट कर सकता है 2 का। हम लोग ये मान लेंगे कि a, अगर a 2 का कोई ना कोई मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, हमने पहले देख लिया। तो हम लोग अब क्या लेंगे, a इज इक्वल्स टू 2c, c इज एनी रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये a उस कोई भी नंबर का मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 2 डिवाइड्स a आ चुका है। अब इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a इज इक्वल्स टू 2c को 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग तो 2 इज इक्वल्स टू a का जगह पे क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 4c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 4 नीचे आया सी स्क्वायर और ये b ऊपर चला गया बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 2। क्या आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 2। अब वापस से ये याद रखो, p प्राइम नंबर डिवाइड्स ए स्क्वायर तो p डिवाइड्स a, तो सिमिलरली यहां पे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स b, 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 b को डिवाइड करेगा, यानी कि 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b, 2 इज 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 अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ठीक है, तो यहां पे लिख देना आप 2 इज अ फैक्टर ऑफ b और 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b,
लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या अजम्पशन किया था, ए एंड बी हैज गॉट नो फैक्टर अदर देन वन इन कॉमन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने उसको अजम्पशन किया था रैशनल का, लेकिन वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, तो देयरफॉर वी कैन, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आप लोगों को ये, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो वी कैन कॉन्क्लूड दैट रूट टू इज इरेशनल। हमने अजम्पशन किया था रैशनल, लेकिन हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया उसका रैशनल का, क्योंकि हमने अजम किया कि उसका कोई और फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है कोप्राइम के फॉर्म में अदर देन वन, लेकिन टू तो एक टू आ गया फैक्टर, इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। हमने रैशनल अजम किया और वो रैशनल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इट इज इरेशनल। आपको लिखना पड़ेगा ये, इट इज इरेशनल। हमने उसको कोई चीज अज्यूम किया और वो हम प्रूव नहीं कर पा रहे, तो उसका उल्टा हो जाएगा वो। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमने प्रूव किया रूट टू इज इर रैशनल नंबर। सेम वे में रूट थ्री कर सकते हो आप, रूट फाइव कर सकते हो, सेम होगा। रूट थ्री के लिए यहाँ पे रूट टू लिया, रूट थ्री ले लोगे, ए बाई बी, थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई थ्री आएगा, थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स ए, थ्री तो प्राइम नंबर है, तो थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो सेम ए इज इक्वल टू थ्री सी लोगे, 3c का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 9c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा, तो c स्क्वायर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 3, 9 और 3 कट जाएगा, 3 और 9, तो b स्क्वायर बाई 3, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b, 3 इज अ फैक्टर निकल जाएगा, तो वो जो हमने अज्यूम किया था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका बहुत बार कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से रूट टू को इरेशनल प्रूव करने को कहा जाता है, रूट थ्री को कहा जाता है, ठीक है। और खाली ये मेथड नहीं है, और भी मेथड है, हम लोग इसको डिवीजन करके, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड से भी हम लोग इसको करके शो कर सकते हैं कि रूट टू कंटिन्यूअस होते जाता है, 1.414 उसका वैल्यू चलते रहेगा। हम लोग स्क्वायर रूट्स का निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन टेक्निक से, लेकिन ये है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और आपको स्पेशली आपके एग्जाम्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोल दिया जाता है, और आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही की करने को कहा जाता है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए था जिसमें हमने देखा कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सेम आप रूट थ्री ट्राई कीजिए, रूट फाइव ट्राई कीजिए, सेम वे में प्रोसीड होगा। इज इट क्लियर? आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, अजम्पशंस क्या लिया वो चीज लिखना पड़ेगा, और लास्ट में ये लिखना पड़ेगा कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जो अज्यूम किया था इसलिए वो रैशनल नहीं है, तो क्या है, इरैशनल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।